अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तमाशा है ये, तमाशा करती है किस लिए? आपको पल भर खुशी देने के लिए। मौत की छोर पे है ये खड़ी, भूख अपनी मिटाने के लिए। दीजिए, कुछ भी दीजिए, मना मत कीजिए। बच्चा लोग तालियां, तालियां बच्चा लोग तालियां। तुझे सुलाएगा सूरज आके जगाएगा, सजेगी सवरेगी बहना तरपन भाई दिखाएगा। चंदा तुझे सुलाएगा सूरज आके जगाएगा, सजेगी सवरेगी बहना तरपन भाई दिखाएगा। देख देख के मुखड़ाए तेरा, मैं तो हर गम भुला दूंगा। मैं तेरा भैया भी, मैं तेरी मैया भी, बाबुल भी, मैं हूँ तेरा। तेरी एक खुशी के लिए मैं जिंदगी लुटा दूंगा। एक पल भी जो तू बिछड़े, याद आए लाखों दुखड़े। तेरा दिलो ना टूटे तो दिल हो मेरा टुकड़े टुकड़े। एक पल भी जो तू बिछड़े, याद आए लाखों दुखड़े। तेरा खिलो ना टूटे तो दिल हो मेरा।
मुझको दुख देने की जो सोचे उसे जग से मिटा दूंगा। मैं तेरा भैया भी मैं तेरी मैया भी बाबुल भी मैं हूँ तेरा तेरी खुशी के लिए मैं जिंदगी लुटा दूंगा। नाता है कोई भी तोड़ न पाता है सारे जग के नातों में ये पावन कहलाता है। ये तो ऐसा नाता है कोई भी तोड़ न पाता है सारे जग के नातों में ये पावन कहलाता है। सजना के अंगना जब जाएगी रो रो के विदा दूंगा। मैं तेरा भैया भी मैं तेरी मैया भी बाबुल भी मैं तेरा तेरी एक खुशी के लिए मैं जिंदगी लुटा दूंगा। नहीं चल सकती क्या? पीछे से टक्कर तुम ही नहीं तो मारी, सारा दूध गिरा दिया, पूरे 25 रुपए का नुकसान कर दिया, कम से कम ये नुकसान तो भर के दो। आंसू दिखाकर पैसे अंटा तो तुम लोगों ने धंधा बना लिया। अरे ओ बाबू, हम गरीब जरूर हैं, मगर बेईमान नहीं। चल हट यहां से। अबे ओ आंख के अंधे, दिखाई नहीं देता क्या? जब आंख के अंधे है साहब तो दिखाई कैसे देगा? शट अप। ये शट अप किसने कहा? You idiot! हाँ? हाय हाय, दूसरा भी टूट गया। अरे अभी शीशे का पैसे कौन देगा तेरा बाप? अरे रे 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 रे, बाप से पैसा वसूल करने के लिए आप लोगों को ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाने के लिए आप लोगों को इस दुनिया से कुछ करना होगा। तो काहे को मरने की सोच रहे? इससे तो अच्छा है सीधा सीधा बेचारी का हिसाब चुकता कर दीजिए, नहीं तो कौन सा प्रॉब्लम? अच्छा है, हट, हट! जल्दी से दूध के पैसे चुका दे, नहीं तो गाड़ी के शीशों के साथ साथ आंख के शीशे भी फोड़ दूंगा। चल फटाफट 25 रुपए दवाई के भी। काली काली है। सुनिए भाई साहब, कौन है ये शख्स? काली को नहीं जानते? नहीं आया हो क्या? विंस ड्राइवर है, बिल्ली घर पे ट्रॉली चलाता है। हाँ
कहाँ से आई हो? नंदीपुर से। टिकट के लिए पैसे नहीं थे, सो बस वाले ने नीचे उतार दिया। चलते चलते हाथ पैर फूल गए और सर अलग से चकरा रहा है। सर थकान के मारे नहीं, दो वक्त से पेट में कुछ नहीं गया इसलिए चकरा रहा है। चलो मेरे घर। खाओ ना मौसी। झुक झुक दियो बेटी। गांव में सूखा पड़ गया था, एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गई थी, सो काम की तलाश में यहां चली आई। कुछ भी करने को मिल जाए, बस भगवान भीख ना मंगवाए। बेटी कोई काम मिल जाए तो, कोई अचार मिल जाए तो। मैं भैया से कहूंगी, वो जरूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। भगवान भला करे तेरा और तेरे भैया का। अगर उसने इस कमबख्त की जगह मुझे बेटा दे दिया होता तो पेट की खातिर मारे मारे फिरना ना पड़ता। इसे तो सुबह शाम जब देखो तब टूसने को चाहिए। गांव के शास्त्री क्या कहा करते थे कि मर्द का धर्म है कमाना और औरत का धर्म है खाना। उनका मतलब सिर्फ खाने से ही नहीं, खाना खिलाना और खाना पकाना भी, समझी? बस बस बस, तुम तो मुझे यहाँ भी चैन से खाने नहीं दोगी, मैं बाहर ही जाके खाती हूँ। अरे लेकिन मेरी बात का सुनो। दीजिए ना। टकटकी बांधकर टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो? हमसे पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? मेरे भैया, छाती पर मूंग दलने के लिए किस चुड़ैल को बारसला रखा है? चुड़ैल कहाँ है, वो और उसकी माँ दोनों ही बहुत भोले भाले हैं। क्या क्या है वो? बहुत ही भोले भाले। चलाक पेट तू ही है, अगर तेरी नजर से दुनिया देखूं ऐब नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। जानना पहचान, तू मेरा मेहमान। भैया बड़े गरीब लोग हैं, उनका दुनिया में अपना कोई नहीं। हमारा कौन था दुनिया में? याद है वो वक्त जब हम मारे मारे फिरते थे, कोई था जो हमारी मदद करने आ गया है? खूब याद है भैया, और ये भी याद है कि तुम्हारी तरह आंखें हमेशा कोई चेहरा तलाशती थी जो आगे बढ़ के मदद कर सके। आज भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया है, इसीलिए तो। बस बस बस, समझ गया। जितनी छोटी तेरी खोपड़ी है उतना ही बड़ा तेरा दिल। ए, ये चारपाई यहाँ क्यों बिछाई है? अंदर गर्मी है ना? गर्मी वर्मी तो ठीक है, चाहती क्या है? वो बगल वाली झोपड़ी खाली पड़ी है, उन्हें रहने के लिए दे दो। दे दे। अच्छा भैया, अब क्या? वो मंगला, मेरा मतलब है उस चुड़ैल की माँ के लायक अगर कोई काम मिल जाए तो। क्यों नहीं, रहने के लिए मकान, बुढ़िया के लिए काम, कह तो बेटी के लिए एक दामाद भी तलाश कर दूं। सच भैया, बेचारे के दिल से बोझ उतर जाएगा। चुप! अच्छा अच्छा ठीक है, दामाद तलाश मत करना। तू इतनी बौली क्यों है रे? जा सो जा। आ आ हा हा, क्या रूप है, क्या यौवन है,
मानो जीवन दान है। जब भैया ने मना किया है तो क्यों मुझसे बात करते हो? काली ने हमें वार्तालाप के लिए इसलिए मना किया है ताकि प्रेम की मधुर भावना हमारे हृदय में उत्पन्न ना हो। काली! देखा, काली का नाम सुनते ही कैसे भाग गया। सीता, मेरी माँ को काम दिलवाकर काली ने बड़ा ही अच्छा काम किया। कम से कम मुझे खाने पीने की फिक्र तो नहीं रही। देखा जाए तो तेरा भाई भले अक्खड़ हो पर दिल का भला है। पर मुझे उसमें एक ही कमी खटकी। क्या? तेरा भाई खाने के मामले में जरा कमजोर है। मंगला, अरे चुनाव गाड़ी? चुनाव गाड़ी नहीं, जीप है। ओहो, जो भी है, हमारे गांव में चुनाव के दिनों में ऐसी गाड़ियां बहुत चिंगाड़ती थी, इसीलिए हम इसे चुनाव गाड़ी कहते हैं। तो कभी बैठी इसमें? नहीं, चलो बैठते हैं। चल। भाइयों और बहनों, आप अपना अमूल वोट मछली को ही। मुझे कुछ अमरूद दिखाई दे रहे, मैं भी आई। मंगला, मंगला जल्दी आ, नहीं तो मैं जीप ले जाऊंगी। अच्छा, तो आप गाड़ी चलाना जानती हैं? एक मेहरबानी करेंगी आप, मुझे रास्ते में कहीं छोड़ देंगी? अरे अरे, आप तो रोने लगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आप सीता, क्या हुआ? ए बाबूजी, क्या बात है, क्यों रुलाए इसे? जी नहीं, जी मैंने नहीं। नहीं नहीं, क्या, मैं खूब समझती हूँ। आप लोग बाबू साहब के कपड़े क्या पहन लेते, अपने आप को 30 मार्का समझने लगते हैं। मेरी अरे, हम गरीब है तो क्या हुआ, हम भी इंसान है, हमारी भी इज्जत है। और आप जानते हैं, अगर इसके भाई काली को ये बात मालूम पड़ गई, तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये काली की बहन है। देखा, आप भी डर गए ना। चल सीता। क्या चिल्पा मचा रखी है, चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? बाज आदमी डांट खाए बगैर बाजी नहीं आते। हाँ, बाज आने के लिए तुझे भी डांट खानी है क्या रे? लेकिन चपर गट्टू, ये गट्टे जैसी शक्ल लेकर आ जा रहा लज्जा तो ऐसे रह जाए तो ससुराल जा रहा। वहीं जा रहा हूँ भैया। क्यों भाई? पिछली बार लड़ झगड़ के भाभी को विदा किया था और कसम खाई थी, चाहे मरता मर जाए लिबाने नहीं जाएगा। अभी कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी जो नाक कटाने खुद चल दिया? तो क्या है काली भैया, औरत चाहे जैसी भी हो, लक्ष्मी होती है, उसके बगैर तो घर सोना लगता है। अभी घर सोना लगने लगा है? अबे चप्पड़ गट्टू, साफ साफ क्यों नहीं कहता, सर्दी नजदीक है। सबके सब सारे मौजखोर हो गए। मौजखोर नहीं हो गए, तुमने इन्हें बना दिया है। मुफ्त में सरकारी गाड़ी में सैर कराते हो, करंट का फजूल खर्चा कराते हो। अबे ओ करंट के करिंदे, ए क्या नाम है इसका? हाँ, नेकीराम चतुर्वेदी। मैं हूँ विंच ड्राइवर और तुम सिर्फ ट्रॉली के गार्ड। अपनी औकात में रहो वरना तुम्हारा करंट कट। तुम क्या काटोगे मेरा करंट? अब तो कटेगा तुम्हारा करंट, विंच ड्राइवर साहब। ये लोग कौन हैं? अब क्या मैंने पूछा, ये लोग हैं कौन?
लेकिन साहब ने ये नहीं बताया कि खुद है कौन। इस इलाके के राजा हमारे विभाग के प्रमुख अफसर नए इंजीनियर साहब। माफ करना साहब, गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप तो कल आने वाले थे। अरे नादान, महापुरुष समय से पहले आ जाते हैं। तुमने अभी तक ये नहीं बताया ये लोग कौन हैं? ये सब इसी गांव के लोग हैं साहब। मतलब बिजली घर में काम नहीं करते? नहीं साहब। फिर इस ट्रॉली में क्या कर रहे हैं? इसमें इनका कोई दोष नहीं है साहब, ये सब गरीब लाचार लोग हैं, इन्हें अपने घरों तक पहुंचने के लिए कोसों दूर चलना पड़ता है। इसलिए तुम इन्हें मुफ्त में सरकारी सवारी इस्तेमाल करने देते हो? कोई हर्च तो नहीं साहब, इन बेचारों का थोड़ा पसीना बच जाता है, और इन्हें ले जाने में इस सरकारी लोहे के डिब्बे को कोई पसीना नहीं बहाना पड़ता। कल को ये लोहे का डिब्बा पटरी से उतर जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, इन लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, क्या कर लोगे तुम? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। जो अभी तक हुआ नहीं वो कभी भी हो सकता है, और फिर डिविजनल इंजीनियर होने के नाते इन लोगों की जानों का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा, जवाब मुझे देना होगा। ये सरकारी महकमा है, यहां के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं, जानते नहीं? इस ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ इस बिजली घर के कर्मचारियों तक महदूद है। जानता हूं साहब, लेकिन मैंने इनकी मदद आपका लाभ पॉइंट सोचकर नहीं की थी। सोचने का काम जिम्मेदार अफसर का होता है। उतारो इन सबको। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? उतरो सब। पैदल चलने का नसीब लेकर आते और सर सरकारी सवारी से करते। जाओ सब। हम भी साहब शुरू से काली को यही समझाते आए हैं, भाई करंट की सोचो, करंट की बचत की सोचो, गवर्नमेंट की सोचो, देश की सोचो। अगर आप इजाजत दें तो नीचे साइड से हों। साहब आइए। माया तेरे तीन नाम नेक नेकी नेकी राम, माया तेरे तीन नाम नेक नेकी नेकी राम, माया तेरे तीन नाम। साला ला पॉइंट का बच्चा। साहब करंट वरंट कुछ नहीं गया, ये तो काली अपने पैरों पर चलकर जाइए। जाइए साहब, चलकर जाइए। मटका तोड़ने का काम हम जैसे वीरों का है, फेंको जितना पानी, कर लो चाहे जितने जतन, मटका हम फोड़ेंगे। बच्चे लोगों ताली बजाओ। ये काम मेरा नहीं, काली जैसे काल पुरुष का है। आओ काली आओ, ये मटका तुम्हारी परीक्षा कर रहा है, तोड़ दो फोड़ दो। हर साल ये मटका तोड़ते तोड़ते मैं तो तंग आ गया, ये साल
लोगों को यह नहीं मालूम कि काली किस मर्ज की दवा है। वाह काली वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? मेरी बुराई करने वाला तारीफ कर रहा है? उल्टी ही क्यों, हम तो सदैव तुम्हारे भले की बात सोचते हैं। आज इंजीनियर साहब का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे से हमें एक बात और ज्ञात हुई कि तुम्हारी बहन सीता विवाह योग्य हो गई है। काली क्यों नहीं तुम अपनी बहन सीता का विवाह मुझ जैसे योग वर्ग के साथ कर देते, तुम्हारे सर से बोझ भी। अभी समझा तेरी तारीफ करने का मतलब, आइंदा तूने मुंह से ऐसी बात निकाली तो तेरी जबान काट दूंगा, समझे? अरे मेरी सीता की शादी तो किसी कलेक्टर नहीं तो डिप्टी कलेक्टर से होगी, तेरे जैसे चप्पू से नहीं, समझे? आवान दे साहब, कुछ लोग दिखते भले हैं पर होते बदमाश हैं, और कुछ लोग दिखते बदमाश हैं पर होते भले हैं, परंतु काली का तो कोई उदाहरण नहीं है साहब। वो दिखता भी बदमाश है और है भी बदमाश, ड्यूटी के समय भी साहब मदिरा पान करता रहता है। हाँ मदिरा पान? जी हाँ साहब, जब देखो बंजारों की बस्ती में मदिरा पान। और साहब मदहोश होने के बाद तो काली को चाहिए चाहिए, जहां 16-17 बरस की कन्या नजर आई काली उसे बलपूर्वक घेर लेता है। एक आदमी जिसमें दुनिया भर के ऐब हो उसका विंच ड्राइवर जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर क्या काम। मैं काली के बारे में तहकीकात करूंगा। तहकीकात करने की क्या आवश्यकता है साहब, मैं सातवीं पास हूं और वो अंगूठा छाप। साहब शिक्षा ना प्राप्त होने पर आदमी जानवर बन जाता है। अब काली को देखे ना साहब, एक छोटी बहन के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसे भूखो मारता है, अपनी सारी कमाई नशे पत्ते में उड़ा देता है, और नशे की हालत में साहब उसे हाथ लात से मारता भी है। अपनी छोटी बहन को मारता है? हाँ साहब, काली आदमी नहीं है, राक्षस है, सीता का भाई होने पर भी रावण। मैं रावण हूँ, सीता का भाई रावण, नशे की हालत में हाथ और लात से मारता हूँ। मैं बंजारों की बस्ती में जाकर मदिरा पान करता हूँ। नारी जाति मुझे देखकर ऐसे भागती है जैसे बिल्ली कुत्ते को देखकर। हाँ उठ कुत्ते, सीता सीता सीता, काली नेकीराम की कुटाई कर रहा है मंगतराम के घर के पास। मैं मंदिर में पूजा करने जुआ खेलने जाता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई नशे जुआ में उड़ाकर बहन को भूखा मारता हूँ। तुझे मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल, आज के बाद अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना मैं तेरा बचा हुआ चेहरा भी बिगाड़ दूंगा। गदा तेरा बाप, साले नेकी राम जिस दिन होश में आएगा मेरी बहन को बोलता है खराब कर देगा, तेरा सारा खानदान तबाह कर देगा। अरे गदा हो कि सुअर की औलाद, अरे सीता पर हाथ उठाने से पहले मैं अपना हाथ ना कर दूंगा। और हराम कौन बोलता, मैं सीता को भूखा रखता हूँ? अरे सीता को अगर एक बार रोटी नहीं मिली ना कली उस दिन मर जाएगा, अरे कली उस दिन मर जाएगा, मर जाएगा कली। लटक जा। आ गया परी का बकरा, आ गया। तुम लोग इधर का काम संभालो, मैं चलती हूँ। ये 2 और 5 बार हो गई, अभी वो साबुन रखना पड़। आज सवेरे सवेरे चली आ रही है, लगता है लक्ष्मी ने आज मेरी प्रार्थना कबूल कर ली।
रूप दीवाना, चाल मस्ताना, क्या है खजाना, इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ, क्या नहीं आई हो? हाँ। क्या नाम है? चमेली। ओए हाय चमेली, नई नवेली, बन जा मेरी सहेली। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम लोग यहाँ पे रहते कहाँ पे हो? हम सब रेलवे फाटक के पास रहते हैं। ओहो, रेलवे फाटक के पास, अच्छा अच्छा। लेकिन ये हम सब कौन? माँ, बाप, 12 भाई और हम 3 बहनें। 12 भाई और 3 बहनें, यानी कि 15 बच्चे। तुम्हारे पिताजी और कुछ करते हैं? चंपी। चंपी कहाँ की? हर जगह की, उनका तो यही धंधा है। कहो तो तुम्हारे पास भी भेज दो। नहीं 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 नहीं, मुझे इस उम्र में चंपी की क्या जरूरत है, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। जी? नहीं नहीं, मैं यानी कि तुम्हारी क्या जरूरत है? तेल की। तेल की? देखो ना मेरे बाल कितने सूखे हैं। ले 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 ले, बिल्कुल सूख गए हैं, मैं इन्हें गीला कर दूंगा चमेली का तेल लगा कर। चमेली का तेल? हाँ। ना बाबा ना। क्यों? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अले तुमसे पैसे मांगे किसने यार? बस देता हूँ, ये ले चमेली का तेल, और मैं तेरे लिए बिंदिया भी लेके आता हूँ। आप कितने अच्छे हैं। मुझे मालूम है तुझे एक और बोतल चाहिए, चमेली की तेल की एक और बोतल चाहिए, ये ले। 5 बोतल, एक इसको दे दी, 4 आए, बोतल गायब, लड़की गायब। ये बहने मुझी को तेल लगा गई, और वो भी चमेली का। साहब। बोलो। आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तुम क्या ज्योतिष विद्या जानती हो? नहीं साहब, पर गांव के लोग मानते हैं कि जो कोई इस मंदिर की घंटी 3 बार बजाता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। चाहे जो कोई भी हो। हाँ साहब। उसकी भी? साहब, हो सकता है अगले जन्म में जल्दी शादी होने की दुआ मांग रही हो। तुम घंटी 3 बार बजाती हो या नहीं? जय गणेश, जय गणेश। वाह वाह, क्या हाथ है, क्या रेखाएं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया हाथ ही नहीं देखा। इस हाथ का मालिक तो सम्राट बनेगा, सम्राट। अरे मुझे मालूम है मैं सम्राट बनूंगा। तो ये पंडित जी, जरा हाथ ठीक से देखो और बताओ मेरी बहन की शादी कब होगी? बहन की? हाँ, किसके साथ शादी होगी, लड़का पढ़ा लिखा कितना होगा, सास ससुर मेरी बहन को खुश रखेंगे या नहीं, बहुत सारे गहने देंगे या नहीं, और जब मैं मामा बनूंगा बच्चे माँ के साथ रहेंगे या मामा के साथ? ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी बहन का नहीं। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भूत और भविष्य लिखा है, उसका नहीं। उसका नहीं? टपोरी, कुछ नहीं आता साले को, लल्लू कहीं का। मेरे हाथ में उसका खिलाना है, पिलाना है, संभालना है, तो उसकी शादी ब्याह किसके हाथ में होगी? हराम को जबड़ा तोड़ दूंगा, ठीक से देख। देखा, शादी की बात होते ही बैंड बाजे आ गए, इसका मतलब अच्छा शगुन है, मेरे घर में भी शहनाई बजेगी। ए बैंड बाजे वाले, इधर आओ, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है। अच्छा? एक धुन सुना दो। काली भैया, पास के गांव में जाना है, शादी में देर हो रही है। मैंने तुमको बजाने को कहा था, ये कौन है, चमचा? नहीं नहीं काली भैया, पहले से ही देर हो गई है, इंजीनियर साहब इंतजार कर रहे होंगे। ला पॉइंट, फिर तो तुम्हें 1000 धुन सुनानी होगी। अरे बजाओ ना भाई, अरे बजाओ हुजूर। अब बजा तेरी।
जाने दो, भगवान के लिए जाने दो, रामलाल की बहन की शादी है, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। ठीक है, जाने दो उस लापन को, किसी की बहन की शादी में देर नहीं होनी चाहिए। जा। कितने पैसे मिलेंगे वहां? 50 रुपया। बस, हमारी बहन की शादी में 150 रुपया देंगे, ये ले 50 रुपया एडवांस। चल भाग, ठहर जा। बोलो माकन सर। वो अबे रुक जाना। हाँ बोलो। बोलने को अब रही क्या गया है काली भैया, जब से तुम्हारी भाभी गुजरी है गुजारा ही नहीं होता। तो दूसरी शादी कर लो। वो तो कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं गांव की लड़कियां इतनी समझदार कैसे हो गई, कोई मानती नहीं। मैंने पुष्पा को कहा, काली मैंने आपको इंजीनियर साहब ने बुलाया है। कह दो हम आते हैं, देखते नहीं हम माकन सर से बात कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत बुलाया है। आपने मुझे बुलाया साहब? ये क्या सूरत बना रखी है? सर मुझसे कहा गया कि आपने मुझे तुरंत बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत हाजिर हो गया। इस हाल में आने का मतलब? सर जब आपने मुझे अर्जेंट संदेशा भेजा तो क्या करते हैं? अगर तुम्हें मेरे हुक्म की इतनी परवाह है तो नेकीराम को क्यों पीटा, नौबत मंडली को क्यों रोका? सिर्फ इसलिए ना कि तुम मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? नहीं साहब, वो बीच में टोको मत। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम क्या इस जगह के दादा हो? तुम सोचते हो कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम उसे सबक सिखाओगे? साहब आप, मैंने कहा ना बीच में टोको मत। जानते हो तुम्हारे खिलाफ अगर मैं एक लफ्ज भी लिख दूं तो सस्पेंड कर दिया जाओ, भूखों मरोगे तुम। यह मत भूलो कि तुम एक सरकारी मुलाजिम हो, अपनी हैसियत के मुताबिक हौसला रखो और इज्जत पाने से पहले इज्जत देना सीखो। अब जाओ और जाने से पहले अपना मुंह धो लो। भैया जल्दी से मुंह हाथ धो लो, आज तुम्हारा मनपसंद खाना बनाकर लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है। झूठ क्यों बोलते हो, मुझे क्या तुम्हारी भूख का अंदाजा नहीं है? चलो उठो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आहा, भूख नहीं है, मैं इतने प्यार से खाना बनाकर लाई हूँ और साहब जी कहते हैं भूख नहीं है। ठीक है मत धो मुँह, मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनती, जा यहाँ से। अरे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो, जानते नहीं मैं बुरा मान जाऊंगी। लो खा लो। मुझे खाना भूख नहीं है। जब तू जानती है कि तेरे भैया का गुस्सा कपूर की तरह जलते ही बुझ जाता है तो अपने जी को क्यों जला रही है? हाँ अरे ओ महारानी जी, मैं मच्छरों से नहीं तुझसे बात कर रही हूँ। गुस्से की सीढ़ी से नीचे उतरो और यहाँ आके मेहंदी लगवा लो। उठो खाना खा लो। चलो उठो।
उठो ना सीता। सीता, मैंने आज से पहले कभी तुझ पर हाथ उठाया? पर आज उठाया ना, इसलिए तू भी उठा। जितना मार सकती हो मार मार। अगर ऐसे बोलोगे तो तुम्हें डांटूंगी मैं। तू डांट ना, जितना डांट सकती है डांट, मार मुझे। तेरा तो मुझ पर हक है, लेकिन उस उल्लू के बट्टे ने क्या समझ कर डांटा मुझे? किसने डांटा? उस इंजीनियर के बच्चे ला पॉइंट ने। इतनी खड़ी खोटी सुनाई कि बस चलता तो भूल के रख देता साले को। मैं उसी आग में भरा बैठा था जब तू खाना लेकर आई। बस बरस पड़ा तुझ पर। तुझे कहीं लगी तो नहीं बेटे? अपनी सीता पे बरस के पागल हो गया था मैं। कुछ सोचा नहीं तो पीने चला गया, पीता रहा और खुद को कोसता रहा। खूब पी मैंने। अब कुछ खा लो। नहीं तो जा यहां से। जरा फिर से तो बोलो। मुझे भूख लगी है। तो अपने पैरों में बड़ी खूबसूरत मेहंदी रचाई है। तू तो बड़ी नंबरबाज निकली। जब मैंने कहा तो मुंह फुलाए गुमसुम गठरी की तरह बैठी रही, फिर चुपचाप अपने पैर सजा लिए। हाँ ओह, तू तो ऐसे बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो ये सब तेरे भैया की कारसाजी है। सचमुच भगवान भी क्या खाता खोल के बैठे हैं। जब माँ बाप छीन लेते हैं तो काली जैसा भैया दे देते हैं। डालडा का डब्बा खत्म हो गया, साबुन की टिक्कियां 17, साड़ियां 7, तेल की शीशी, मक्खन की कौन क्या चाहिए? मुझे बिंदिया चाहिए। बिंदिया चाहिए? पहले पैसे रखो, बाद में बिंदिया मिलेगी। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं चंपा हूँ, चमेली की छोटी बहन। खूब पहचाना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। उस दिन मुझे तेल लगा के तुम दोनों बहनें चली गई, मेरा उल्लू बना दिया, इसलिए आज नगद कल उधार। नहीं सेठ जी, कल नगद आज प्यार। नहीं, मैं फिसलने वाला नहीं हूँ।
पहले पैसा। जरा चोली ढीली करो ना। चोली में पैसे रखे हुए? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, अब भी ढीली कर देता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं किसी ने कुछ काट लिया। कैसा लग रहा है अभी? तुम्हारे छूते ही दर्द छुमंतर हो गया। सच सच? पर तुम बड़े वो हो। क्यों? तुम तो चमेली को चाहते हो ना? अरे चमेली को नहीं, मैं तो तुमको चाहता हूँ चंपा। मैं तेरे बापू के पास आकर तेरा ही हाथ मांगूंगा शादी के लिए। तुम मुझे शादी में क्या क्या दोगे? अरे सब कुछ दूंगा। तुझे बिंदिया चाहिए ना, मैं तुझको बिंदिया दूंगा। बिंदिया? हाँ, और मैं तुझको साबुन दूंगा। साबुन? हाँ, और मैं तुझको तेल दूंगा। तेल? हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं तुझको साड़ियाँ दूंगा। साड़ियाँ? हाँ, ये तो तुम शादी के बाद दोगे, पर अब क्या दोगे? हाँ। अभी अभी मैं तुम्हें इन सब चीजों का एक एक सैंपल देता हूँ। तू यही बैठना है, उठना मत, वहीं बैठे रहना, आंख बंद कर ले। मैं तुझे एक फर्स्ट क्लास साड़ी देता हूँ। अरे सुन, लड़की गायब, साड़ी गायब, लड़की गायब, चूड़ियां गायब, तेल गायब, बिंदिया गायब। उस दिन तो साली मुझे तेल लगा के चली गई, आज चप्पी भी कर गई। ड्राइवर मौजूद है? मौजूद है मैम साहब। अपना काम देखभाल की ठीक ठाक कर रहे हो ना? तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा था कि मशीन का काम हाथ से कम और दिमाग से ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मेरे पास दिमाग का खजाना है। तेरे पास जो खजाना है वो तो मुझे मालूम है, कुछ करती धरती तो है नहीं, बुढ़ापे में माँ से काम कराती रहती है और जब देखो मटकती रहती है और चढ़ती रहती है। अरे पर तू क्यों जलता है? तुझे खाना है तो ये ले, ये तू ये खा ले। हे भगवान, अरे तू क्यों मेरा मगज खराब करने चली आती? जा यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, जा। वक्त के बच्चे, जा जा, मैं नहीं जाती। अरे तू जाती आई है? ये रखा तेरा वक्त, मैं ले जा रही हूँ। ए, सीधा सीधा मेरी घड़ी रख दे, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बताता हूँ। मेरी तो चुपचाप से मेरी घड़ी दे दे, वरना। वरना क्या कर लेगा? वरना तेरा हाथ तोड़ के घड़ी ले लूंगा। अच्छा ये बात है, अब बोलो। जल गए, उफ जल गए, तुझे छूने से हाथ मेरे जल गए। जल गए, उफ जल गए, तुझे छूने से हाथ मेरे जल गए। तेरे बदन की गर्मी से हम ठंडे पानी में उबल गए। चल गए, उफ चल गए, मेरे सीने पे तीर जैसे चल गए। चल गए, उफ चल गए, मेरे सीने पे तीर जैसे चल गए। तेरी मोहब्बत भरी ये शरारत आज मां दिल में मचल गए। चल गए, उफ चल गए, मेरे सीने पे तीर जैसे चल गए। We'll be right back.
नदिया में जाके तुम डुबकी लगा लो जी बुझ जाएगी ये अगन पानी ने तो भड़काई ये ज्वाला पूजा करो जतन हाय रे हाय रे हाय रे हाय जल गए उफ जल गए तुझे छूने से हाथ मेरे जल गए जल गए उफ जल गए मेरे सीने पे तीर जैसे चल गए से मत गुजर प्यार नहीं प्यास है ये इसमें बहकने का डर जो बिगड़ा संभला नहीं इन राहों से मत गुजर यूं ना भटकाओ तुम होरे बन जाओ तुम होठों के गुल चूम लो अरे भौरा नहीं हूं मैं आजाद पंछी हूं मुझको न बंदी करो जल गए उफ जल गए तुझे छूने से हाथ मेरे जल गए तेरे बदन की गर्मी से हम ठंडे पानी में उबल गए चल गए उफ चल गए मेरे सीने पे तीर जैसे चल गए तेरी मोहब्बत भरी ये शरारत आज दिल में मचल गए इसके घर खबर कर दो कि इसे अस्पताल ले जा रहे हैं और चिंता ना करें अच्छा अच्छा ट्रॉली आने में इतनी देर कैसी हुई काली कहां कहां थे इतने वक्त सुना नहीं कितनी देर से अलार्म बज रहा था तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी ड्यूटी ट्रॉली पर है और ट्रॉली की जरूरत कभी भी पड़ सकती है जानते हो तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है सब मैं बहस मत करो तुम यहां ड्यूटी निभाने आते हो या मौज मनाने कन्या के साथ मौज यू शट अप बिल्कुल बेगैरत और गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम माया करती हूँ ना देखने के लिए ना माया करती हूँ ना चली आई कमर मटकाती हुई सुननी पड़ी ना उस लॉ पॉइंट की तेरी तो मैं मेला बेटा भीग गया माया तेरे तीन नाम नेक नेकी नेकी राम क्यों रे भट्टी की राख
तेरी मजाक कैसे हुई काली की जगह संभाल लेके आओ। अरे काली, हिंसा का प्रयोग मत कर, नेकी राम से बदी ठीक नहीं भाई। इंजीनियर साहब की जो आज्ञा है हम उसी का तो पालन कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं आ रहा तो उनका ये आज्ञा पत्र पढ़ के देख लो। काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ के सुना दू आज्ञा पत्र। ये क्या है सब? उसमें लिखा है। जानते हैं सब, लेकिन क्यों? वो भी लिखा हुआ है। तुम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाते, इसलिए 10 दिन के लिए तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर साहब, हमने तो अपनी गलती मान ली है। उस दिन आपने इतनी खड़ी खोटी सुनाई, हम खामोश खड़े खड़े सुनते रहे, चू तक नहीं की, फिर ये फरमान किस लिए? लापरवाह हो, गैर जिम्मेदार हो। ऐसा मत कहिए साहब, कसम ले लीजिए कि कल का वाकया छोड़कर हमने कभी आपने काम में ढील छोड़ी हो तो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता काली, मेरा फैसला तुम्हारे सामने मौजूद। ऐसा मत कीजिए साहब, फिर एक बार सोच लीजिए, आपके फैसले से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कल जब गांव वाले मखौल उड़ाते हमारी आंखों में झांकेंगे, हमारी आंखें तो उड़ने से ना कर देंगी। ऐसा मत होने दीजिए साहब। देखो काली, मैंने तुम्हें मुअत्तल किया है, बर्खास्त नहीं। बर्खास्त भी कर देंगे साहब आप। उस दिन सस्पेंड करने की धमकी दी थी, आज सस्पेंड कर दिया, आप बर्खास्त करने को कह रहे हैं, कल वो भी कर देंगे। आप जब से यहाँ आए हैं हमसे नफरत करते हैं, और जब आदमी किसी से नफरत करता है ना तो उसका पुण्य भी पाप नजर आता है। जोश में आ रहे हो काली, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन बाद ज्वाइन कर लेना, आप जाओ। मतलब आप अपना फैसला बदलेंगे नहीं? ठीक है साहब, हम जाते हैं। अगर आप समझते हैं आप काली की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, तो आपको शायद ये नहीं मालूम काली किस मिट्टी का बना हुआ है, और आपको यह पता चल जाएगा। सीता, क्या? काली बंजारों की बस्ती में घटाघट शराब पी रहा है। सुना है इंजीनियर साहब के साथ कुछ कहा सुनी हो गई थी, आज तो आसमान से आग ही बरसेगी। हमको काहे का गम, जालिम दुनिया से क्यों मांगे रहमो करम। जो भी होना है जो भी हो बार देखेंगे। क्यों झुके क्यों डरे, जीते जी क्यों मरे। जब तक है दम हमको काहे का गम। के अच्छे
तेजी क्यों मरे, बाहों में जब तक है दम हमको काहे का गम। लपन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लपन। पैर उस तरफ कर लो। हाँ ठीक है, आराम से। तुम जरा अंदर चलो। आहिस्ता। तूने मेरा जीना हराम कर दिया लपन। मैं भी तेरा जीना हराम कर दूंगा। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा लपन। तू मुझे सस्पेंड नहीं कर सकता। तुझे छोड़ूंगा लपन। तुझे छोड़ूंगा नहीं। जरा पैर अंदर कर देना। नहीं नहीं नहीं, आप में से किसी को आने की जरूरत नहीं। मेरे होते किसी बात की फिक्र मत करना। काली ठीक होते ही वापस आ जाएगी।
मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा और तू यहाँ चुप्पी साधे बैठी है। ओहो, जब इंजीनियर साहब ने कह दिया कि काली आने वाला है फिर तू क्यों फिक्र करती है। देख सीता, काली तेरा भाई है तो तू भी उसकी बहन है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज राखी के दिन वो ना आए। और सुन, आज के शुभ दिन बहनें आंखों से आंसू बहाकर नहीं होठों से गीत गुनगुनाकर भाइयों से अपना प्यार जताती हैं, समझी? चल। Thank you.
भैया। काली भैया, हमारे हृदय को बहुत बहुत चोट पहुंची जब हमें ज्ञात हुआ कि तुम लूले हो गए हो। भाई चाय पियो मेरे भैया, पी लो। विधि का विधान है, क्या बोलेंगे। क्या कहूं, कोई विधि का विधान नहीं है, ये सब कुछ करने वाला है वो इंजीनियर साहब। जब देखो साला कानून झाड़ता रहता है। जब से उसकी तब्दीली हुई ना इस गांव में, तुम पर दुख ही दुख छा गया है। अब देखो, अगर वो तुमको नहीं डांटता तो तुम गुस्से में आकर मदिरा का उपयोग नहीं करते। हाँ, ना इतना बड़ा हादसा होता, ना इनकी बाई कटती, ना ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज होते। मैं पूछता हूँ, ये सब करने का जिम्मेदार कौन है, कौन है? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना मेरे भाई, नेकी राम चतुर्वेदी तुम्हारे साथ है, किसी प्रकार की सहायता करने को सदैव तैयार। मेरे भाई, सच्चा मित्र वही होता है जो दूसरे इंसान के दुख में काम आए, और तुम पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। भैया, तुम्हारा बाया हाथ गया है ना, नेकी राम चतुर्वेदी आज से मेरे भाई तुम्हारा बाया हाथ है। हट लिया हरामखोर, क्या हुआ है मुझे? जिंदा हूँ, चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, पर आज भी किसी की मजा नहीं कि मुझसे हाथापाई कर सके। काली को किसी की सहायता चाहिए ना दया, और आज भी तेरे जैसे 100 कुत्तों को बिठाकर रोटी खिला सकता हूं। चल बना रास्ता ना, चल। विधि का विधान देखो भाई, भगवान ने अपंग बना दिया फिर भी वो एकदम गुस्सा नहीं। हम तो ये सूचना देने के लिए आए थे कि इंजीनियर साहब ने तुमको याद किया है। आओ गली, कैसे हो? ठीक हूं। आओ बैठो। ठीक है साहब, बैठ भी जाओ। काली, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए शायद तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करोगी, लेकिन मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं कहने के लिए मजबूर हूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं काली, के भगवान ही जानता है कि मैंने अफसरों से तुम्हारी खातिर कितनी जिद्दोजहद की, कितना समझाने की कोशिश की, पर मेरी एक नहीं चली। उन लोगों के ख्याल से अब तुम अपनी पोस्ट के काबिल नहीं रहे,
मैं बता नहीं सकता मुझे कितना दिली अफसोस है, तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी। आखिर आपने अपना हिसाब चुकता कर ही लिया। उस दिन बर्खास्त करने को कहा था, आज कर दिया। वाह साहब वाह, पेट पर लात मारना तो कोई आपसे सीखे। मैं जानता था तुम यही समझोगे, मगर भगवान के लिए सच नहीं है, मैं उस तरह का आदमी नहीं। अगर आप उस तरह के आदमी हो भी तो गलत क्या है? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, अगर मैं उस पर बैठा होता तो शायद मैं भी आपके साथ यही करता। यह कुर्सी का खेल बड़ा पेचीदा है साहब, इसमें सब चलता है। ए! क्या क्या कर रही हो? कैसी दुकान है तुम्हारी, लड़कियों का कुछ सामान ही नजर नहीं आता। लड़कियों का सामान कब नजर आता है? जब नजर आता था तो मेरी सारी दुकान लुट गई। तुम लड़कियों ने मुझे पूरा बेवकूफ बनाया, अब मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? तुम रेलवे फाटक के पास नहीं रहती? नहीं। तुम 12 भाई और 3 बहने नहीं हो? नहीं तो मेरे बाप ने तो शादी नहीं की। इसका मतलब है तुम चंपा और चमेली की बहन नहीं हो। कौन चंपा और चमेली? अरे वो तो चोर, खैर जाने दो। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या? बिजली। बिजली आई मेरे हाथ में खुजली। देखो बिजली, एक बात समझ लो, क्या है कि औरतों के सामान में मैंने बहुत धोखा खाया है, इसलिए मैंने सारा सामान उठाकर मेरे सोने वाले कमरे के अंदर रख दिया है। मैं पहले दरवाजा बंद करता हूँ, फिर सामान बेचता हूँ, पैसे वसूल करता हूँ, फिर दरवाजा खोल। कहाँ चली? सोने वाले कमरे में। सोने वाले कमरे में। दुकान बंद, दुकान बंद। क्या बात है, आपको जगह भी मालूम है और पोस्ट भी मालूम है। वो आए हैं घर पे हमारे, हमारी कुदरत है, कभी हम अपने माल को कभी उनके हाल को देखते हैं। बोल तेरे को क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तो मैं बाद में बताऊंगी। हाय हाय, पहले ये बताओ वो तस्वीर किसकी है? कौन सी तस्वीर? ओ, वो तस्वीर क्या बताओ, वो तस्वीर मेरे स्वर्गवासी पत्नी की है, जो शादी की चौथी रात को ही मुझे सुहाग का सुख दिए बगैर ही चल बसी। जब से वो गई है मुझे एक ऐसे खूबसूरत लड़की की तलाश है जो मेरी मनोकामना पूरी कर सके। शादी पता बता, मैं तेरे पिताजी से कब आके शादी की बात करूं? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे बापू से आकर मिल लो, क्योंकि वो मेरी शादी तबलची से करना चाहते हैं। तबलची के साथ कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का क्या भरोसा, तबला उठा के चले जाते हैं। हाथ मत लगाना। कौन बोला? तुम बोली? तो हो सकता है मेरा वहम हो। तो ये बता कि मैं तेरे पिताजी को आके कब मिलूं? नजदीक मत जाना। उस तस्वीर के होंठ हिल रहे थे, कहीं भूत तो नहीं? भूत? 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 कैसा भूत, ये कैसे हो सकता है? तूने देखा? किसने मारा मुझे? नहीं नहीं देखा। मुझको बुद्धू समझते हो? मैं अभी दिखाता हूँ। अलमारी में कुछ है। किसमें? उसमें से आवाज आ रही है। अलमारी में आवाज है। देख देख देख, तू डर मत, तू डर मत, मैं जाके देखता हूँ, तू डर मत बिल्कुल। कबाड़ में आवाज? कबाड़ में आवाज कैसे होती है? क्या है?
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अरे 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 ऐसे ही डर गया मैं। ओह ओह ये तो बाल है, बाल बाल है, बाल है। अरे देखा अलमारी में तो कुछ भी नहीं था, तू खामा कर डर गई। हाँ मैं तेरा डर निकाल देता हूँ। ये सुनहरी घड़ी को हाथ नहीं जाना देना चाहिए। क्या हुआ क्या हुआ? तस्वीर में भूत है। देख मैं भूत निकाल देता हूँ एकदम। मुकम करोती वाचारम पंगुम लंगे देख रही है। कृपा हम दे परमानंद माधव। गया गया भूत चबाड़ू 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 चबाड़ू। आइए काल पुरुष जी आइए। इस बार आप क्या मटका तोड़ेंगे? तकदीर ने तो आपका हाथ तोड़ दिया। आइए काली साहब आइए मटका तोड़िए। अब क्या मटका तोड़ेगा ये? बत्ती से निकाल कर हंस क्या रहे हो? काली का एक भी हाथ पड़ गया ना तो जबड़ा समेत बत्ती से बाहर नजर आएगी। काली इतना कमजोर नहीं कि ये मटका तोड़कर अपनी बहादुरी जताए। इस जरा से काम के लिए मैं ही काफी हूँ। बोलो, बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे थे ना? तुम जैसी सुंदरी साथ हो तो बोलने की क्या आवश्यकता है? आइंदा लड़ाओ से संभाल से बात करना। भैया क्या बंदर की तरह उछल कूद रहे हो? जिस तरह बटन को काज की जरूरत होती है उसी तरह आदमी को भी सहारे की जरूरत होती है, समझे? अपनी हालत पर तरस खाओ और भगवान के लिए किसी बंदरिया से शादी कर लो। भाई रे भाई, पूरी शेरनी है शेरनी। कौन? और कौन, वही मंगला। देखा नहीं जन्माष्टमी वाले दिन उचक्कों पर कैसे उचक उचक के दहाड़ी थी? अगर कोई तुम्हारे या मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी बोले तो उसका खून चूस ले वो। अच्छा और क्या, देखा नहीं कितनी बदल गई है अब। न पहले जैसे हिरनी की तरह डोलती फिरती है और न ही खाने पीने के खटरा गलापती है। हाँ कुछ बदली बदली लगती तो है। बड़े मीठे स्वभाव की है, अब तो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है जितना मैंने भी कभी नहीं रखा। हाथ कट गया ना, इसलिए दया दिखाती है बस। दया नहीं दिखाती, तुम्हारी परवाह करती है। अगर मैं कभी नहीं भी हूं तो हमेशा परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। तू कहना क्या चाहती, सीधे सीधे बोल। ये चकली की तरह गोल गोल घुमा फिरा कर क्या बात कर रही? घुमा फिरा के कहा, साफ ही तो कह रही हूँ तो मंगला से शादी कर लो। तो हमारी लाडो अब इतनी बड़ी हो गई है कि अम्मा की तरह हमारी शादी ब्याह की सोचे? हाँ देख सीता, कान खोल कर सुन ले। जब तक तेरी शादी ना हो जाती मेरे लिए अपनी शादी के बारे में सोचना तक पाप है। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो भैया। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं इस घर के चौखट के बाहर पैर तक नहीं रखूंगी। तुमने मुझे माँ बाप भाई सखा सबका प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि ममता का मतलब मैं भी जान गई हूं।
तुमने हमेशा एक आंख अपनी तो दूसरी आंख मुझे समझा है, एक हाथ अपना तो दूसरा हाथ मुझे समझा है। होनी ने तुम्हारा एक हाथ छीन लिया तो क्या, जब तक मैं तुम्हें दूसरा हाथ नहीं सौंप दूंगी तब तक तुम्हारी कसम मैं भी शादी नहीं करूंगी। पागल हो गई तू, लोग क्या कहेंगे? एक तो मैं अपाहिज, ऊपर से घर में कुमारी जवान बहन, क्यों मेरी जगह सही कराना चाहती है? ए सीता, तू ये कसम वापस ले ले। नहीं भैया, लक्ष्मण रेखा की तरह ये सीता रेखा भी अमिट है, और फिर तुम शादी भी तो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है। बोलो, तुम मेरी शादी नहीं करना चाहते? तू क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अपनी समझ में कुछ ना आए तो अपने से छोटों की बात मान लेनी चाहिए। अब तुम चुप बैठो और रही सही मुझ पर छोड़ दो। मंगला, हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए। मुझे तो अपनी माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं, पर भैया ने कभी उनकी कमी नहीं महसूस होने दी। आज फिर सीता जी अपनी राम कहानी का पंचांग लेकर बैठ गई। हाँ मंगला, आज भैया की जो हालत है वो मुझसे देखी नहीं जाती। कदम कदम पर वो अपने को लाचार पाते हैं, ऐसे में उन्हें मुझसे ज्यादा मेरी भाभी की जरूरत है। मैं जानती हूँ भैया जिद्दी हैं, अखड़ हैं, डांट डपट के बिना बात नहीं करते, पर सच दिल के बहुत भले हैं, बच्चे की तरह भोले। मंगला, क्या तुम शादी के लिए इसीलिए मना कर दोगी क्योंकि भैया की नौकरी नहीं रही, एक हाथ नहीं रहा? पगली ननंद। भाभी, शादी मुबारक हो काली भैया। मुबारक हो। चल आगे बढ़, चल। काली भैया मुबारक हो। कहाँ गई? ये भेंट स्वीकार कीजिए, ये मुझे मेरी शादी में मिली थी, मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका इसलिए। 27 रुपए 50 पैसे उन दिनों की कीमत है। काली, शादी मुबारक हो। हाँ तो माखन सर, ऐसे मौके पर ये बोतल देना क्या ला पॉइंट है? हा? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। साहब, साहब, आपने भैया की बात का बुरा तो नहीं माना? नहीं, जब से तुम्हारे भाई को पहचाना है मैं उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। साहब, ये उनकी शादी के लड्डू हैं, आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं, मना क्यों करूंगा, और तुम लाइए तो मना करने की गुंजाइश कहां रही? तो लीजिए साहब। ये साहब के बजाय विनय कहा करो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुम्हारे भैया के शादी के लड्डू हैं, अपनी शादी के लड्डू कब खिला रही हो? साहब, आज ही तो भैया की शादी हुई है, इतनी जल्दी हम गरीब लोग दूसरी शादी? ये लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे हो?
यहाँ आओ और शुरू हो जाओ। शादी का मतलब जानती हो क्या होता है? हाँ, मालूम है। अच्छा तो बताओ। शादी का मतलब होता है क्या? हमको है ये सारा पता। मियां कमाई और बीवी खाए। शादी का मतलब होता है क्या? हमको है ये सारा पता। मियां कमाई और बीवी खाए। मियां जब जाए कमा कर लाए, तो बीवी पका का मतलब होता है क्या? तुमको नहीं अभी कुछ भी पता। पास तो बैठो प्यार से बात करो। शादी का मतलब होता है क्या? तुमको नहीं अभी कुछ भी पता। पास तो बैठो प्यार से बात करो। क्या घूंघट उठाओ, नैन को मिलाओ, जरा शर्माओ, मतलब और भी है। तुमने किया कभी गौर भी है? सब कुछ पेट की भूख नहीं, इसमें प्यार का दौर भी है। प्यार जताती है बीवी अपना घर संसार चला के, जितने तराके पकते हैं खाने हर पकवान खिला के। मसाला कूटे अचार बड़ा होता है क्या? तुमको नहीं अभी कुछ भी पता। पास तो बैठो प्यार से बात करो। क्या घूंघट उठाओ, नैन को मिलाओ, जरा शर्माओ, जरा मुस्काओ। प्यार तो आदत है दिल की, कोई बदल ना पाएगा। रोटी बिना ये जी भी ले, प्यार बिना मर जाएगा। भोजन से भी प्यार करो, तुम ध्यान करो सेहत का। सेहत अच्छी नहीं रही तो मजा नहीं उल्फत का। सरसों का साग, मक्की की रोटी, मछली इडली डोसा, गरमा गरम पका कर मैंने ठहरो अभी परोसा। गरम है खाना, न देर लगाना, खुद भी खाना, हमें भी खिलाना। शादी का मतलब होता है क्या? हमको है ये सारा पता। मियां खिलाए और बीवी खाए। मंगला, मंगला, मौसी तुम्हें नहाने के लिए। अरे तुम तो पहले से ही नहा धो के तैयार खड़ी हो, क्या तुम यही? हे भगवान, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ।
मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम मंगला नहीं मेरी भाभी हो, मेरी अच्छी प्यारी भाभी। कितनी सुंदर लग रही हो, हाय कहीं मेरी नजर न लग जाए। भगवान किसी की भी नजर न लगाए। नहा रहे हैं, मैं नहलाने लगी तो मना कर दी। अब तुम्हें उनकी एक नहीं सुननी चाहिए, एक तुम ही हो जो उनकी अक्ल ठिकाने लगा सकती हो। अच्छा मैं चलती हूँ। देखो मंग भाभी, भैया को अपनी बातों में ऐसे उलझाए रखना कि उनको पता भी ना चले कि मैं कहीं गई हूँ। नहीं सीता, तू घर में रह, मैं जाती हूँ। तेरे भैया को मालूम पड़ गया तो वो मेरी जान खा जाएंगे। चल। तुम्हारी जान खाए, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों की शादी करवाई है। अगर तुम घर से चली जाओगी तो वो किसकी जान खाएंगे? बेचारे भैया भूखे रह जाएंगे कि नहीं। अब तुम्हें परछाई की तरह उनका साथ निभाना है, समझी? लगता है सुबह सुबह सूरज देवता की ड्यूटी लगाकर चांद खुद नाश्ता खिलाने जमीन पर उतर आया है। ऐसे बाकी चिदवन से देखेगी ना तो खूंटा गाड़कर घर में ही गाय की तरह बन जाऊंगा। इधर देख। क्यों नहीं? शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। हे भगवान, जिसे देखकर शर्म शर्मा जाती थी, अब वही शर्माने लगी तो शर्म का क्या होगा? मेरी लाज बनती, लजाना छोड़ अब कुछ खिला पिला। सारा तन भूख से जल रहा है, ये क्या है? धत। ये क्या है? छी। अरे इसमें छी की क्या बात है? आ, आ। ताना लगा, चलो। तुम मच्छी ले आ, देखो ऐसी पकाऊंगी कि। अरे फिर खाना? रात को ही तो बताया था शादी का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, और आज मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो कुछ चाहिए सीता से कहकर मंगवा लेना। वैसे वो है कहाँ? यही कहीं होगी। यही कहीं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है? वो मैं पूछता हूँ, सीता कहाँ है? कहाँ है वो? बेचारा भैया अपाहिज हो गया है, कमा नहीं सकता। तो क्या हुआ, मैं जो हूं मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। आज से उसका घर मैं अपने पसीने के कमाई से चलाऊंगी। कुछ ऐसे ही सोच विचार में डूबी हुई कुमारी सीता पत्थर समान भारी जीवन का भार अपने छोटे से कंधे पर उठाने के लिए घर से निकल पड़ी। और श्रीमती मंगला देवी अपनी ननंद के महान विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे जाने दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी इस हरकत पर मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दूं? मैं क्या करती, मैंने बहुत मना किया लेकिन इसने मेरी एक। चुप! हाँ तो माताजी यहां तशरीफ लाइए, आइए आइए यहां आइए। अब तो बड़ी हो गई हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने भैया भाभी का पेट भर सकती हैं। क्यों नहीं, निकम्मा भाई शादी करके सुहाग के दिन रात मना रहा हो तो कसूर किसका? भाई का। जूते किसके सर पर पड़ने चाहिए? भाई के। मैं सोच ही रहा था कोई अपने लायक काम तलाश करूं,
लेकिन मैं सोचता रह गया और तुमने करके दिखा दिया। कोई 5-6 साल का था तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें एक वक्त भी भूखा नहीं रखा। आज मेरे एक बाजू में जितनी ताकत है उस वक्त दोनों मिलाकर भी नहीं थी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, विनती कि आप अपने पैरों को बाहर ले जाने का कष्ट ना करें। जब तक जिंदा हूं वादा करता हूं आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मेरा मतलब समझ गए ना आप? और अब भी तुम ये घड़ी बेचना क्यों चाहते हो? जब काम नहीं तो समय का दाम नहीं। क्या करूंगा इसे अपने पास रखकर, हाथ कट गया ना कोई काम देना नहीं चाहता। अंदर आओ। मैं जानता हूं कि शेर कभी घास नहीं खाएगा, लेकिन गुस्सा होने से पहले मेरी बात सुन लो और समझ लो। हनुमान मंदिर के पास एक दुकान है, मैंने सोचा था कि मैं वो दुकान ले लूंगा और चलाऊंगा, लेकिन एक जान और दो दुकान मुमकिन नहीं है ना। तुम ये रुपए ले लो और वो दुकान खरीद के कोई धंधा कर लो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें ये 2000 रुपए कोई दान या इनाम दे रहा हूं। मुझे ये रुपए वापस चाहिए और सूद सहित। अगर दुकान नहीं चली और रुपए डूब गया तो? अरे मेरी बनिया बुद्धि कहती है कि जिस काली को मैं जानता हूं वो किसी को नहीं डुबो सकता। ले चल। नाम की वजह से तुम्हारी नजर और जुबान जरूरत से ज्यादा ही फिसलती है, लेकिन आज देखा दूसरों का दुख देखकर तुम्हारा दिल भी मक्खन की तरह पिघल जाता है। अरे हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपनी दुकान इतनी मत चलाना कि मेरी बंद हो जाए। उस दिन तुम भाग क्यों गई थी? मुझे मालूम है तुम क्यों भाग गई थी। किस लिए साहब? तुमने आंखों में मेरे मन की बात पढ़ ली थी। सीता सुनो, तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्यों, मेरी बात बुरी लग गई? तो फिर ठीक है, कल मैं तुम्हारे भैया से बात करने आऊंगा।
अरे अरे अरे, अरे। देख रही हूँ आज रानी जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। क्या बात है? मन की कोयल कू कू करके किसको पुकार रही है? अरे बता तो, तुझे मेरी कसम है। साहब, साहब कल भैया से बात करने आ रहे हैं। क्या? शाबाश! चल चल चल। काली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुनो, अंदर आने को कहो ना। आइए। आइए साहब, बैठिए। काली, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। न जाने क्यों हम दोनों के बीच बेवजह एक गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई है, लेकिन इस वक्त मैं एक अफसर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त के रूप में तुमसे मिलने आया हूं। आप चाहे जिस तरह से आए हो, मिलने तो आप ही आए ना। मेरे घर भी आए हैं और लॉ पॉइंट भी निकाल रहे हैं। लॉ पॉइंट? ऑफिस में लोगों ने मुझे बताया था कि तुमने मुझे यही नाम दिया है। देखो काली, मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी से मिलता जुलता है। मेरे सर से भी मां बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने आप को हमेशा अकेला पाया है। अब जिंदगी जीने के लिए सहारे की जरूरत है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं सीता का हाथ थामना चाहता हूं। ना, मत करना दोस्त, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया। ये तो हमारे बड़े भाग जो आप। आपने सीता का हाथ इतनी अचानक मांग लिया कि कहीं कुछ प्यार व्यार का चक्कर? नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी वैसी बात होती भी कैसे, हमने हमारी बहन को उस तरह पाला पोसा भी जो नहीं। फिर इस बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? आपने इतनी बड़ी बात इतने छोटे से वक्त में कह दी है कि फैसला तो दूर, अभी हम आपकी बात हजम तक नहीं कर पाए। आपने हमसे हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मांगी है, जरा सोचने विचारने का मौका तो दीजिए। ऐसा करते हैं साहब, आप कल हमसे बाजार वाले चौराहे पे मिलिए, हम अपना फैसला वहीं सुना देंगे। काली भैया, आज कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। खबर यह है कि कल इंजीनियर घर गया था। लो, वो तो यहीं आ गए। हाँ? काली, हाँ आइए आइए सब बैठिए। चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू। Thank you.
काली, फिर क्या सोचा है तुमने? बताता हूं, नमस्ते काली भैया, किस लिए याद किया? तूने उस दिन सच कहा था? मां कसम। मक्खन सेठ, फटाफट तैयारी करो और मेरे घर पहुंचो। हाँ, लेकिन किस लिए? मेरी बहन सीता की शादी तुम्हारे साथ हो गई और आज अभी इसी वक्त मंगनी की रस्म पूरी की जाएगी। तुम सच कह रहे हो काली भैया? हाँ, किस्मत के राम, फटाफट पहुंचो। राम। बैठो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं पूछती हूँ, तुम्हारी क्या अकल मारी गई है जो इस लंपट से तुम अपनी बहन ब्याह रहे हो? तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें अपने साहब से नफरत है? अरे अगर तुम्हें उनसे नफरत है तो अपनी बहन को क्यों भाड़ में झोंक रहे हो? जरा सोचो, तुमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और अपनी जिद की खातिर तुम उस बिचारी को इस रंडवे के साथ नरक में ढकेल रहे हो। मैं कहती हूँ उनसे कहो यहाँ से इसी दम चले जाए, मेरे जीते जी ये सगाई नहीं हो सकती। जीते जी नहीं हो सकती तो जाओ नदी में जाकर डूब मरो, क्योंकि ये सगाई होकर रहेगी। तेरी ये मजाल, ये मेरा और मेरी बहन का आपसी मामला है। मैं जिसके साथ चाहूं उसकी शादी करूंगा, चाहे वो राजा हो या रंक। राजा तो रावण भी था, लेकिन मेरी बहन तुलसीदास की सीता नहीं, काली की सीता है, जिसकी जिंदगी में कभी कोई रावण नहीं आएगा। अब अगर तूने बीच में टांग अड़ाई, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मार डालो, लेकिन जब तक सांस है अपनी सीता को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ले मर। तुम्हें मेरी सगाई वाले दिन भाभी पर क्यों हाथ उठाते हो? भाभी नहीं, इन्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। जिद की भी हद होती है, आखिर तेरी भी कोई अपनी जिंदगी है? मेरी जिंदगी भैया की जिंदगी, वो जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। और तुम क्या भैया से ज्यादा मेरे भले की सोच सकती हो? क्या इनके साथ साथ तू भी अपनी आखिर खो बैठी है? तुम चाहे जो समझो, भैया रस्म पूरी करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। साथ है ना, अपने स्वांग दिखाए बिना बाज नहीं आती। तू परवाह मत कर, काली ने जबान दे दी तो दे दी। साहब, सीता की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। अगर सीता की शादी उनकी जिद की भेंट चढ़ गई तो उस बिचारी का जीवन नरक बन जाएगा। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ही बताओ मंगला, मैं क्या करूं? मैं कैसे भी सीता को समझा बुझाकर मना लूंगी। आप उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाइए और चुपचाप शादी करके लौट आइए, फिर हार कर काली को ये रिश्ता मंजूर करना ही होगा। भगा कर ले जाना, चुपचाप शादी करना, सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं शादी करने नहीं कोई पाप करने जा रहा हूं। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर कैसे उम्मीद रखनी चाहिए? यही कि सीता जैसी भोली भाली लड़की के दिल में प्यार की आग जलाकर उसे जिंदगी भर जलने के लिए छोड़ दे। ये कि वो लड़की जिसने आज तक सिर्फ अपने भाई का प्यार जाना हो, उसके मन में हलचल मचा दे, ताकि कल भाई से जुदा होकर जब वो अपनी जिंदगी का मतलब समझे, अपने भाई से नफरत करे। आपसे यही उम्मीद रखनी चाहिए ना साहब, कि भाई बहन के सच्चे प्यार में आप दरार डाल दे। फॉर गॉड्स सेक मंगला, प्लीज। भाड़ में जाए आपका प्लीज और आपकी अंग्रेजी। आप तो मेरे पति से भी गए गुजरे हैं। वो बेचारा तो अनपढ़ है, गवार है, उसके लिए इज्जत का मतलब है अपनी बात रखना। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो समझना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है आप पर अपना गुस्सा निकालने के लिए कर रहा है, अपना बदला ले रहा है वो आपसे। तो क्या आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपकी आदमियत आपको यही सिखाती है? लेकिन मंगला, सगाई हो चुकी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? दखल नहीं दे सकते तो सीता को जहर तो दे सकते हैं आप।
कम से कम बेचारी एक बार में चैन की मौत तो मर जाएगी, सारी उम्र जिंदा रहकर हर पल मरेगी तो नहीं। मक्खन सेठ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। कैसे? मालूम है काली अपनी बहन तुम्हें क्यों सौंप रहा है? क्यों? एक मिनट ना, एक मिनट, कोई नहीं है। क्योंकि हमारे इंजीनियर साहब ने उसे चक्के छोड़ दिया है। क्या? सत्य वचन मक्खन सेठ, सत्य वचन। तुम जिस मंदिर में बोलो मैं जाके सौगंध खा सकता हूँ कि आज मंगला इंजीनियर साहब के सामने हाथ पांव जोड़ के कह रही थी कि अगर उन्होंने सीता को ना अपनाया तो उसे जहर दे के मार दे। क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान मेरी आंखें फोड़कर मुझे अंधा कर दे, मेरे हाथ पांव तोड़ के मुझे लंगड़ा लूला कर दे। तो फिर इंजीनियर साहब ने क्या कहा? पुरुष की प्रकृति को तो तुम जानते हो भाई, जिस चीज को बिना दाम के हासिल कर ले उसका मूल्य नहीं चुकाते। तुम्हारी बात 52 तोले पावरती सही है। देखिए राम, आप तुम ही मुझे ये झूठा खाना खाने से बचा सकते हो। पर मैं इसमें तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हो, मैं तुम्हारी खूबियों को खूब जानता हूँ। जब तुम कभी कोई नई बीमारी लाते हो तो साथ में उसका इलाज भी ले आते हो। चतुर्वेदी तो हम हैं, पर चतुर तो तुम भी हो। तूने हमें घर दिया, मेरी मांग को सिंदूर दिया, और मैं तेरी मांग में राख भरते हुए देखूं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी सीता, कभी नहीं। ठीक है, मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर देखती हूं कि कल तेरे सुहाग की मेहंदी जलेगी या मेरी चिता। रो मत सीता, तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, तेरे भैया के लिए कर रही हूँ। पर तू सोच, कल तेरी शादी हो जाएगी, तू इतनी अच्छी है कि अपने भैया की इज्जत को जिंदगी भर निभा लेगी, पर जब उन्हें होश आएगा तब वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, ये सोचकर पागल हो जाएंगे कि उन्होंने अपनी फूल सी बहन को खिलने से पहले मुरझा दिया। क्या गुजरेगी उन पर? इसीलिए मैं कहती हूँ सीता, अपनी न सही अपने भैया की जिंदगी को जलने से बचा ले, और मैंने जो कहा उसे मान जा। ये साड़ियां हैं कल के लिए। ये साड़ी नहीं, कफन है, मेरी लाश को पहना देना। कफन के लिए रेशमी कपड़ा जरूरी नहीं होता, तू चाहे जिए या मरे काली अपनी जबान से नहीं फिरने वाला। सीता, ओ सीता, 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 पता नहीं सवेरे सवेरे कहां चली गई। ये मकन सेठ, तुमने तो उसे कहीं नहीं देखा। देखा तो नहीं, लेकिन मालूम है सब कुछ। क्या मालूम है? मालूम है कि सीता कहां है, और ये भी मालूम है कि सीता क्या है। अंधा जान के जो बटेर तुम थमा रहे थे उसे तो इंजीनियर साहब पहले ही चख चुके हैं। अरे मेरी काली, 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 काली,
छूती मैं तुझे छूटी है मैंने तो तुमको बोला हुआ मैंने तुमको थोड़ा बोला जो नेकी ने मुझको बोला वही मैंने तुमको बोला और तुम्हारे बहन को नेकी उठा के ले गया कहाँ मैंने अपने स्वार्थ में अंधा होकर सीता पर झूठा आरोप लगाया था वो बिल्कुल पवित्र है मुझे क्षमा कर दो शादी के लिए तैयार हो जाओ माखन सेठ अब क्या हो गया तुझे जो कहा था भूल गई ये मत भूल कि तेरी इस भूल से एक जिंदगी राख हो सकती है सीता जो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है तुम्हारे भाई के लिए अच्छा है वही करो पर इस वक्त सिर्फ अपने दिल से ही नहीं अपने दिमाग से भी काम लो
फिर चाहो तो मुझे भी इनकार कर सकती हो। काली भैया मान जाओ, अगर तुम आप भी अपनी जिद पे अड़े रहे तो हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेंगे। अपने भाई के प्यार में आकर मिट्टी का खिलौना मत बन सीता, वरना तेरी जिंदगी खिलौने की तरह टूट जाएगी। चल, मैं जानती हूं आज के बाद तुम मुझे घर में पैर नहीं रखने दोगे, लेकिन मैं इसी में खुश हूं कि सीता खुश रहेगी। आज जिद में उनकी आंखें बंद है, पर जब उन्हें होश आएगा तब ये सोचकर पागल हो जाएंगे कि उन्होंने अपनी फूल सी बहन को खिलने से पहले मुरझा दिया, अपनी न सही अपने भैया की जिंदगी को जलने से बचा ले। माँ-बाप मरे थे तो खुद को कभी अनाथ नहीं समझा था, जब हाथ कटा तो खुद को कभी कमजोर नहीं समझा था, लेकिन आज तू मेरा साथ छोड़ रही है तो लगता है शरीर बेजान हो गया है। आइंदा से काली अपने पैरों पर अपनी लाश उठाएगा सीता, तो इसलिए मुझे छोड़कर जा रही है ना कि एक अपाहिज भाई का तू बोझ नहीं उठा सकती। तुम लोगों ने, ये होती है बहन, और तुम लोगों ने सोचा कि ये अपने भाई की मर्जी के खिलाफ शादी करेगी? हाँ, अरे जाओ सब,
और चुल्ले पर पानी में जाकर डूब मरो। बोलते तू मुझे छोड़ देगी। साहब आप जानते हैं कि आप मुझे पसंद नहीं, पर शायद मेरी बहन को आप पसंद हैं। जो भी हो, आज इसने बता दिया कि दुनिया में इसके लिए मुझसे बढ़कर और कोई भी नहीं। ये खुशी, ये नशा मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, और आज इसी नशे में चूर काली जो चाहता है वही करने जा रहा है। कालीचरण अपनी बहन सीता की शादी आपके साथ मंजूर करता साहब। कबूल कीजिए। सजना के अंगना जब जाएगी रो रो के विदा दूंगा, मैं तेरा भैया भी मैं तेरी मैया भी बाबुल भी, मैं तेरा तेरी एक खुशी के लिए मैं जिंदगी लुटा दूंगा।